या शूटिंग चल रही है, साइलेंस रहोगे? कहां कहां से आ जाती है? कैमरा रोल, एक्शन। ये जंग है फरमान खुदा का। कट इट। ओके ओके सर, अब मैं घर जा सकता हूँ, बीबी परेशान होगी। बोल जाओ, तुम्हारा पूरा यूनिट यहीं रहेगा। सर सर, ये बहुत गलत बात है, ये देश आजाद है और हम आजाद देश के आजाद गुलाम है। बैकअप। ये जंग है फरमान खुदा का। हेलो, ठीक है, पर उन्हें कब लाया जाएगा? फिलहाल स्कैनिंग बाकी है, डॉक्टर का क्लियरेंस मिलते ही वो पहुंच जाएगा, हमें कल रात तक का वक्त चाहिए। दिया, लेकिन कोई होशियारी नहीं। ये वो प्लेन है जो हाईजैक हुआ, और ये प्लेन में यूसुफ खान को लाया जाएगा, मेरा मतलब रंगनाथ को। यूसुफ खान को देखने के बाद आतंकवादी यात्रियों को छोड़कर इस फ्लाइट से इस फ्लाइट में शिफ्ट होंगे। जब वो रास्ते के बीचों बीच होंगे, हम उन पर हमला करेंगे। हमारे कमांडो बंदूकें लेकर यहाँ छुपे होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतने सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच आतंकवादियों को हम कैसे पहचानेंगे? वही तो चुनौती है। इस मिशन की कामयाबी के लिए हमें यात्रियों की मदद लेनी होगी। पैसेंजर्स की लिस्ट में एक रिटायर्ड कर्नल है। कौन? जगदीश। जगदीश, उनके लिए हम अंदर एक सेलफोन भेजेंगे। वो भेजोगे कैसे? वो भी मैंने सोचा है, और अब से इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन गरुड़ा। मुसीबत हो जाएगी सर, आपके कहने पर मैंने एक बार कर लिया, अब मुझसे दूसरी बार नहीं होगा सर। मुझे अब बहुत डर लग रहा है सर, अपनी माँ की महकलौती थी। साले चूहे, तू तो पुलिस वाला बनना चाहता था, क्या हुआ? फिल्में देखकर जुनून चढ़ा था, फिल्म के क्लाइमेक्स में ही हमेशा पुलिस आती है ना सर, सोचा था बहुत ही आसान होगा, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहा सर। वो कैसे? मैं फूल की तरह कोमल हूँ सर। What? मुझे फिट आता है सर, कोई जोर से चिल्लाए या चीखे मुझ पर, या अनजाने में कोई छीके भी, पैंट गीली हो जाती है। ये फिट तुझे कब कब होते हैं? जब मैं थक जाता हूँ या फिर डर जाता हूँ, जब कुत्तों से अपनी जान छुड़ाता हूँ, डर के मारे मुझे चक्कर आते हैं। सुनो, क्या पुलिस वाला ऐसे रोता है? पुलिस? कौन सर? तुम, आज से तुम एक पुलिस वाले हो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? अगर तुम्हें अभी अपॉइंटमेंट लेटर दूं तब तो मानोगे? यस सर। गुड, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अरे नहीं सर, रेजिग्नेशन लेटर दे देता हूँ सर। सुन, सारी जिंदगी जूनियर आर्टिस्ट बनके रहेगा? पैदा होकर मर जाना ही सिर्फ जिंदगी नहीं होती, अगर मेरी बात सुनेगा तो एक ही दिन में हीरो बन जाएगा। जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो गांव वाले तुझ पर हंसते थे ना, तेरे को सैल्यूट करेंगे, तेरे माँ बाप को तुझ पर नाज होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गुड। लग गए। पांचवा दिन, सुबह 6:30 बजे। तुम्हें एक बात बताऊं, आज मेरा बर्थडे है। वाओ, इसीलिए शायद वो यूसुफ खान को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। वही पुराना रिवाज, किसी वीआईपी की बर्थडे पर किसी गुनहगार को रिहा करते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। सुनो, बहुत सी मासूम जाने अब तुम्हारे हाथ में है, होशियारी से। जी साहब, जानती हूँ, मेरे पिताजी भी पुलिस में नौकरी कर चुके हैं, वो अपना फर्ज निभाते निभाते शहीद हुए थे। मैं ये काम ठीक से करूंगी साहब। मुझे वॉशरूम जाना है।
मैं मेजर रवि हूँ एनएसजी से। आज रात को हम आप लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए हमें फ्लाइट में मौजूद कर्नल जगदीश की मदद चाहिए। आज हम जो फूड पैकेट्स आपको भेजेंगे उनमें से सिर्फ एक पैकेट पर लाल रबर बैंड होगा, उसमें एक सेल फोन है। किसी भी कीमत पर वो फोन कर्नल जगदीश तक पहुंचना चाहिए। इस बारे में कर्नल जगदीश को पहले से जानकारी दे दी जाए, ये बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट। दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे हिम्मत। इतनी देर क्यों लगी? थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लेडीज प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ। अपने लिबास में कुछ छुपाया है तुमने। अब क्या कपड़े भी उतरवाओगे? एक बार और बेहोश हुआ ना, मार डालूंगा। अरे सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मुझे इन सब की आदत नहीं है। रुक 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 ना। हमारी सारी उम्मीदें तुझसे जुड़ी हुई हैं। बिना कुछ किए ही तू एक बच्चे की तरह रो रहा है। जानते कैसे दरिंदे वो? ये फोटो देख। देख। जरा देख, ये तेरी ही तरह आम लोग हैं। कोई सब्जियां लेने बाजार गया हुआ है। स्कूल जाते बच्चे, मंदिर से लौटती औरतें। देख, देखना। इतनी तबाही मचाई उन्होंने, प्लेन भी हाईजैक किया है। अगर इस बार वो बच गए तो हो सकता है अगला बम उस बस या ट्रेन में रखे जिसमें तू सफर कर रहा है। अगर इस वक्त उस प्लेन में तेरा बाप होता तो क्या तू यही करता? ये सब देखकर तुझे गुस्सा नहीं आता? देख, पिछले चार दिनों से हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, मना मत कर। डरता क्यों है? मैं हूं ना। सॉरी सर, अब मैं तैयार हूं सर। सर जो बोलोगे मैं करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। ये बात विमला जी। सर क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर। मेरा पैर। पैर निकालो। क्या? पैर निकालो। तुम्हारा शक दूर हुआ? बच गया। जरा सुनिए, मुझे टॉयलेट जाना है। सुपरस्टार चंद्रकांत हमारा हीरो है। अगर वो सुरक्षित वापस नहीं आया तो हम हल्ला बोल देंगे भाइयों। हमारा हीरो चंद्रकांत, हमारा हीरो चंद्रकांत। मुझे सिर्फ एक बात का डर है सर। अगर फिट आ गया तो क्या करोगे? पहली चीज तो तुम्हें आनी नहीं चाहिए, और अगर आती है तो तुम करते क्या हो? पिछली बार जब फिट आए थे ना, मैंने चाबी का गुच्छा पकड़ लिया था, फिर मैं नॉर्मल हो गया सर। ठीक है, हम तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा देंगे। हैंडल को कसकर पकड़ लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम अभी भी पहले वाले रंगनाथ हो। यूसुफ खान बनना होगा। उस फिल्म में जैसी एक्टिंग की थी वही बॉडी लैंग्वेज चाहिए हमें। सर आपको देखकर बहुत डर लगता है मुझे। वो डायरेक्टर से कहिए ना मुझे समझाए, फिर मैं कर लूंगा सर।
क्यों बेचारे, क्या कह रहा था, मेरी फिल्म फ्लॉप थी? खल्लास, इंडस्ट्री में टिकने नहीं दूंगा। दोबारा अगर सेट पे दिखाई दिए तो वही तेरे कान के नीचे। बहुत बोलता है, बचाओ क्या? ओके ओके ओके, अब काम पर ध्यान दो। तुम रंगनाथ नहीं हो, यूसुफ खान, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी। तुम्हारा नाम सुन के दुनिया कप 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 कांपती। बिना किसी रहम के तुमने हजारों लोगों को मार डाला। सुबह जब जागते हो टूथपेस्ट बाद में गोलियां पहले चबाते हो। तुम्हारा नाम सुन के कॉफिन में लेटे मुर्दे भी भरतनाट्यम शुरू कर देते हैं। साला एक्टिंग करने चला, ओवर एक्टिंग करता है बेवकूफ साला। जितना बोलता हूँ उतना कर। सुबह के 8:45 करेले का जूस पिलाओ इनको। आज रात जब यूसुफ खान इन्हें सौंपा जाएगा, आप सबको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग के वक्त हम आपको सिग्नल देंगे, तब सब लोग जमीन पर लेट जाएंगे। हमारे कमांडोज तैयार रहेंगे। मुझे उम्मीद है कर्नल कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये जानकारी आतंकवादियों को छोड़कर बाकी यात्रियों तक पहुंच जानी चाहिए। जानता हूं आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, फ्लाइट पर कितने आतंकवादी हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं उसकी जानकारी चाहिए। यही मौका है उन्हें बताने का कि हम कौन हैं। पांच आतंकवादी 9mm पिस्टल के साथ हैं और उनके पास एक हैंड ग्रेनेड भी है। कोई बात नहीं, हम निपट लेंगे। रुको रुको रुको, तुमने कहा हैंड ग्रेनेड? अगर उन्होंने ब्लास्ट कर दिया तो? हम उन्हें इतना वक्त ही नहीं देंगे। अब हमारा सिग्नल होगा गनशॉट, इससे वो चौकन्ने हो जाएंगे। हमें कोई ऐसा सिग्नल चाहिए जिससे वो चौकन्ने ना हो। जज बेल, जज बेल, ये हुई ना बात। चर्च बेल, हमारा सिग्नल ये होगा। हे, रुको, वो क्या है? निकालो से, चलो निकालो, होशियार बनती हो। कुछ भी नहीं है। कहाँ ना निकालो? तुम सिगरेट पीती हो? हाँ। तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? क्या? तुम्हें कभी किसी ने रोका नहीं? देखो, तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम एक औरत हो, तुम ये कैसे कर सकती हो? ये मेरा निजी मामला है। सुनो, रुक जाओ, मेरी बात मानो, इसे जाने दो, नादान बच्ची है, मैं इसे समझा दूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, माफ कर दो, माफ कर दो। इडियट, सेलफोन कहाँ है? सॉक्स में छुपाया है।
कुछ ही देर में वो विमान जिसमें यूसुफ खान को लाया जा रहा है तिरुपति एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। शायद तब विमान में फंसे बच्चों और औरतों को आतंकवादी रिहा कर दे। INN से सीमा खन्ना। यूसुफ खान का प्लेन ठीक 8 बजे लैंड करेगा। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है शिफ्ट होने के लिए, सिर्फ 10 मिनट। जैसे ही इस प्लेन का पहला पैसेंजर बाहर जाएगा इस पंप को शुरू कर देना। पर क्यों? वो तो यूसुफ खान को रिहा कर रहे हैं। हमें हर तरह से तैयार रहना होगा। उन पर ऐतबार करना बेवकूफी है। चाहे जो भी हो हम शिकस्त नहीं खाएंगे। अगर उनकी तरफ से किसी ने होशियारी की तो हम ब्लास्ट कर देंगे। ये रिमोट हमारी कामयाबी का जरिया है। सब प्लान के मुताबिक हुआ तो सोचना क्या है, ब्लास्ट तो फिर भी होगा। तुम्हारे पास 10 मिनट है मिस्टर विश्वनाथ, यह हमारी आखिरी वार्निंग है। रवि, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। बहुत है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। क्या उनके पास सच में एक ही हैंड ग्रेनेड है? प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स, सिंटेक्स, 1 किलो। ब्लास्ट हुआ तो कोई नहीं बचेगा। झूठ बोला तुमने? सर ये बात किसी को ना पता चले, भरोसा कीजिए, मैं संभाल लूंगा। All the best. ठीक है सर, जाता हूँ सर। सर मेरा एड्रेस मेकअप मैन के पास है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को इतला कर दीजिएगा। ड्यूटी पर अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरी जिंदगी देश के काम आई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ। चलता हूँ सर।